तो भाई लोग, कैसे हो आप सभी लोग। आज रिव्यू लेके आए हैं एक बहुत ही अच्छे कैफ़े का, जहाँ पे हम लोग अभी बैठने वाले हैं। और मेरे पीछे है यहाँ पे सिनेप्लेक्स 91, जो कि है सॉल्ट लेक सेक्टर 5। और यहाँ पे अपने को भी बहुत अच्छा खासा ट्रीटमेंट देखने को मिलेगा। तो आओ चलो फटाफट से अंदर में दिखाते हैं कि अंदर में कैसा क्या ट्रीटमेंट होता है और कैसे सारी चीज़ें चलती हैं, ठीक है। तो ऐसा सा कुछ गेट है अपना सिनेप्लेक्स 91 का, यहाँ पर पड़ता है अपना। इस साइड में टिप्सी टाइगर आ जाता है और इस साइड में आपका RDB राइट साइड आता है। तो RDB से सीधा आके इस साइड आओगे तो आपका सिनेप्लेक्स 91 के लिए गेट आ जाता है। तो फटाफट से यहाँ चलेंगे अंदर। ये कुछ अपना ऐसा रिसेप्शन डेस्क रहता है और यहाँ पे ये हुक्का बार है। यहाँ पे काफ़ी सारे टाइप के हुक्का हैं, यहाँ 1, 2, 3। आपके पास और कितने सारे हुक्के यहाँ बेसिस अभी? अभी तो यहाँ पे टोटल 8 और आप लोग का स्पेशल फ्लेवर्स? स्पेशल फ्लेवर तो बहुत कुछ है, चॉकलेट फ्लेवर। आपका मेन्यू अगर दिखा दो हुक्का का, एक मिनट। बाकी तो ग्लासेस ऐसे लगे हुए हैं कुछ अच्छे शो पीस में है। ये सिर्फ शो के लिए या यूज होते हैं? नहीं सर, यूज होते हैं। यूज होते हैं मे भी हो सकता है शो के लिए, बहुत जन रखते हैं। ऐसा इनका कुछ मेन्यू है। आपका मेन्यू ये सर? अच्छा, और आपका हुक्का का प्राइस क्या है? 800 से चालू होता है सर। हम लोग का प्रीमियम बेस है 1200, वो अगर मतलब 1100 में आ जाता है। 1100 में आ जाता है सर। और ये मेन्यू आपका जो हुक्का का है, ये जोमेटो में अपलोडेड है? जोमेटो, स्विगी और जहाँ मैप से सब, जो जहाँ पे भी लोग देख सकें। वो तो होगा सर, अभी मेरे को उतना मतलब मालूम नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैं अभी नया हूँ, तो अभी जोमेटो स्विगी से मतलब ये ज़्यादा नहीं आता है, हुक्का का ये सब नहीं आता है, तो वो फूड का ज़्यादा आता है। तो मैं डाल दूँगा फोटो कहीं नहीं। बाकी तो यहाँ पे ऐसे ऐसे कुछ इनका रूम्स है, ऑडी में दिखाता हूँ आपको। ऐसे ऐसे कुछ लाइट्स है और ऑडीज, ऑडी इनका सारा ऐसे नाम किया हुआ रहता है ऑडी। और यहाँ पे 3 है, यहाँ 2 वॉशरूम्स मेल फीमेल, और यहाँ पे अपने एक मिरर आ जाता है, ठीक है भाई, बढ़िया। अभी यहाँ से चले तो इनका जो सीटिंग कैपेसिटी है वो जनरली मैक्सिमम 15 पीपल तक ये ले लेते हैं। इनका मेन्यू आ रहता है, एक टेबल ये सब है, और यहाँ से ऊपर आ जाते हैं हम लोग। और भाई कैसा लग रहा है? बढ़िया, यहाँ पे आने का मन यहाँ लगता ही है। सही बात है। तो यहाँ पे ऐसे इतने सारे ऑडीज हैं, यहाँ पे भी देख लेते हैं भाई यहाँ का लाइट। अच्छा ये रहा, ऐसे ऐसे कुछ ऑडीज है, 1-2 पर्सन के हिसाब से तो बेस्ट है ये। तो ऐसा सा कुछ ऑडी मिलेगा अंदर, बैठ जा भाई बैठ जा। और यहाँ पे डेकोरेशन करवाया गया था पहले से, काफ़ी अच्छा खासा डेकोरेशन हुआ हुआ है। और आपको सारे यहाँ पे अच्छे से सब सजा हुआ सामान मिलता है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो आपको काफ़ी अच्छा खासा सीटिंग एरिया मिल जाएगा, और साथ ही साथ अगर आपको जैसे आप यहाँ बैठ गए और दरवाज़ा बंद है, आप अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो आपको किसी को बुलाना है तो आपको बाहर जाने का ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे कॉलिंग बेल के लिए एक बटन दिया हुआ है, वहाँ पे आप कॉल करो। बाकी तो ये बहुत अच्छा खासा लंबा टीवी मिल जाता है। कितना इंचेस का ये टीवी? मेरे को 55 लग रहा है। 65 इंचेस, काफ़ी सही है। और साथ में ये सब वूफर भी मिल जाता है अपने को बोट का यहाँ पे। और यहाँ पे अच्छा खासा साउंड क्वालिटी है, साउंड क्वालिटी भी चेक करवा देंगे। अभी के लिए ये 2 रिमोट आपको मिल जाएंगे, ये टेबल आप शिफ्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, आपको जैसे इस साइड में कहाँ लगाना है कहाँ नहीं। और यहाँ पे नीचे आपको कुछ प्लेट दे दिए गए हैं सर्व के लिए, वहाँ पे डस्टबिन भी दे दिया गया। क्लीनलीनेस पूरा है, A to Z हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छा है यहाँ का। और यहाँ देख सकते हो अच्छा खासा डेकोरेशन की बात करें तो डेकोरेशन काफ़ी अच्छा खासा किया गया है। और रिमोट अभी गाना बजाएंगे, देखेंगे, नॉन कॉपीराइट सॉन्ग्स बजाना पड़ेगा क्योंकि यूट्यूब पे डालेगा, तो उसके लिए नॉन कॉपीराइट सॉन्ग्स होना ज़रूरी है। फटाफट से नॉन कॉपीराइट सॉन्ग्स में बजाता हूँ। और बाकी व्यू तो काफ़ी अच्छा आता है यार यहाँ पे। तेरा कैसा एक्सपीरियंस है ये बताओ? हम ऑलरेडी एक बार एक्सपीरियंस ले लिए यहाँ पे। मैं ऑलरेडी यहाँ पे बहुत बार आ चुका हूँ, मेरा ऑलरेडी यहाँ पे मेंबरशिप भी है, इनका मेंबरशिप का भी प्लान चलता है, जिसके बारे में नीचे जाके अपने डिस्कस करेंगे अभी सबसे। और मेरे को यहाँ का सर्विस बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने इनको कांटेक्ट करा कि मेरे को यहाँ पे आना है, मेरे को मेंबरशिप लेना है, और मेरे को आपके पर्सनली एक वीडियो भी बनाना है,
तो इन्होंने अलाउ करा, काफ़ी अच्छा था। अब आप इसका साउंड क्वालिटी देखो। ऐसा ऐसा कुछ था और मेरे को वाइड एंगल में लेना पड़ रहा है क्योंकि नॉर्मल अगर मैं लूँ तो आपको नहीं समझ में आएगा बिकॉज बहुत बड़ा रूम है इनका। एंड आराम से कितना जन का सीटिंग होगा यहाँ? सिर्फ 10 जन आराम से बैठ जाएंगे ना अगर अंदर अंदर सब बैठे तो। मतलब वो अभी बलून्स और कुशन्स की वजह से आपको लग रहा होगा कि कोई नहीं बैठ पाएगा ज़्यादा, बट 10 जन के आराम से हो जाएगा। 10 जन तो काफ़ी, और इनका 15 पीपल का मैक्सिमम है तो इससे भी बड़े बड़े रूम्स हैं। तो ये वाला रूम का मैं पर्टिकुलर ले रहा हूँ क्योंकि ये वाला रूम बहुत ही अच्छा डेकोरेट करा है इन्होंने। और यहाँ पे देखो ये कैंडल लाइट्स और ये सब काफ़ी अच्छा लगा है इन्होंने डेकोरेशन के हिसाब से। 65 इंचेस का टीवी और साथ ही साथ स्पीकर और एयर प्यूरीफायर काफ़ी अच्छा है। सिक्योरिटी भी पूरा मेंटेन्ड है, क्लेनलीनेस ऑन टॉप है, सर्विस ऑन टॉप है, बहुत अच्छा है। बात करें तो इनका कॉरिडोर देख सकते हो भाई, काफ़ी अच्छा लगता है से, मतलब बहुत अच्छा खासा इन्हें बनाया हुआ है। और अभी चलते हैं नीचे, मेंबरशिप की भी बातें करते हैं, पोस्टर वोस्टर सब लगाए हुए भैया। मेंबरशिप के बारे में बताइए, आपका यहाँ पे क्या क्या मेंबरशिप है और क्या अभी ऑफर चल रहा है? मेंबरशिप तो आप लोगों का 500 रुपीज़ का हम लोगों का मेंबरशिप है जिसमें आप एक साल तक 500 रुपीज़ को अवेल कर सकते हो। जैसे मेंबरशिप आप 500 रुपीज़ का लिए तो एक साल तक आप 10% करके फूड में 10% करके ऑडी में डिस्काउंट मिलता रहेगा। अच्छा, और आपका ये ऑडी और फूड का मतलब अलग अलग होता है बिलिंग? ऑडी और फूड का अलग। तो ऑडी का चार्जेस क्या है आपका? ऑडी का चार्जेस है 175 पर हेड पर आवर। पर हेड पर आवर 175। अच्छा, और ये मेंबरशिप के अलावा और कुछ ऑफर जो अभी चल रहा हो? ऑफर हर वीकली ऑफर चलता रहता है, जैसे बाय 1 get 1 चलता रहता है, 1999 का, 2499 का पैकेज हर वीकली हम। अभी क्या करंट ऑफर है? अभी करंट ऑफर बाय 1 get 1 चल रहा है और फूड में 10% डिस्काउंट चल रहा है। बाय 1 get 1 किस में? मतलब अगर कोई भी आप ऑडिटोरियम लेते हो जो अगर मानिए 3 घंटा 4 घंटा अब रहे, 4 घंटे के जगह आपको 3 घंटे का पे करना पड़ेगा, 1 घंटे का आपका फ्री हो जाएगा। अच्छा ठीक है। और आपके हुक्का बनाने वाले कौन? आप बनाओगे हुक्का? अब बताइए आपका स्पेशल फ्लेवर्स जो यहाँ पे सबसे अच्छा भी आप बनाते हो। पान फ्लेवर। पान मतलब कुछ भी ऐसा फ्लेवर जो गला में थोड़ा ठंडा लगे, तो मीठा ठंडा ऐसा कुछ। पान रसना। तो आप कौन सा अभी बना दोगे? कोई एक बना दो। अगर आपको मैंगो पसंद है, लाइक द मैंगो फ्लेवर, देन यू कैन गो विद इट। फ्रूट फ्लेवर मैंने कभी ट्राई नहीं किया, बट आप बना दो, एक बार ट्राई कर लेता हूँ मैं। गिव मी अ 15 मिनट्स। ठीक है, कौन सा बेस आप दोगे? ओके, वी आर प्रोवाइडिंग अ दुबई बेस। दुबई का बेस है? कौन से ब्रांड का? कोकाया का मैंने भी यूज़ करा है बेस, काफ़ी अच्छा है। और ऐसा ही टाइप का एक इसी कलर में मेरे पास बेस पड़ा है, लिमिटेड एडिशन वाला, अच्छा खासा चलता है वो, उसका कलर भी फेड नहीं होता। कोकाया मैंने यूज़ करा है। ये सारे बेसेस आपके कोकाया के हैं? सारे नहीं है कोकाया के। तो ये वाला इम्पोर्टेड है आपका? ये वाला हुक्का का चार्जेस क्या पड़ता है? ये 1500 का। और बगल में ये सारे 800। ये सारे 800 पड़ते हैं? समझ गया मैं। इतना टीवी और डेकोरेशन के बाद सबसे अच्छा डेकोरेशन तो इनका खाने को लेके है। ये है बेबी कॉर्न और यहाँ पे डिमसन, काफ़ी अच्छा खासा इन्होंने डेकोरेशन करके दिया है। बाकी तो अभी नीचे जाएंगे और इनके जो भी मॉकटेल्स है उसके लिए भी अपने चलते हैं नीचे। कौन सा मॉकटेल बना रहे हो आप? एक तो बनेगा स्पेसिफिक ओशन। और एक ठीक है, कोई नहीं आप बनाओ।
बाकी का तो आपने देखा यहाँ पे कैसा सा इंटीरियर है। अब दिखाते हैं अगर लाइट्स ऑफ करते हैं तो कैसा लगता है रूम। ये देखो पूरा डेकोरेशन होने के बाद, लाइट्स ऑफ होने के बाद जितने भी लाइटिंग से बहुत अच्छा लग रहा है। और खासकर ये टेबल बहुत अच्छा सजाया हुआ है, बहुत अच्छा सजाया हुआ आप लोग। और बाकी तो यहाँ अपना चल रहा है सब। और हुक्का भी बहुत अच्छा इन्होंने सर्व कर रखा है, बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे अभी देखते हैं डेकोरेशन एक इस रूम में और हुआ हुआ है कैसा लगता है। भाई बहुत अच्छा डेकोरेशन इन्होंने कर रखा है। मैं 0.5x में अगर आपको दिखाऊं तो काफ़ी बड़ा रूम है। एग्जैक्टली यहाँ पे अच्छे खासे मेंबर्स बैठ सकते हैं। और लाइटिंग्स बहुत अच्छे से इन्होंने हाइड करा पीछे से, मतलब बहुत कन्वीनियंट लुक और बहुत अच्छा एस्थेटिक्स आ रहा है यहाँ पे। और इसी को अगर मैं लाइट ऑफ करके दिखाऊं, देख सकते हो लाइट ऑफ में कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे साथ में अपना टीवी तो इस साइड में है ही, दिखाता हूँ मैं, देखो तो इस साइड में टीवी। और जिसका भी बर्थडे सेलिब्रेशन होना है काफ़ी अच्छा, काफ़ी स्पेशल होने वाला है उसके लिए। दिस वॉज ऑल अबाउट सिनेप्लेक्स 91। और आज के लिए ये अपना रिव्यू, बहुत अच्छा अपने को हॉस्पिटलिटी मिला है, बहुत अच्छा खासा डेकोरेशन मिले हर जगह से। तो फिलहाल के लिए ये वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।